بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا

और इसमें हमारी जो सबसे पहली हदीस है हमारे जेर मुत वो है वन सिक्सटीन इसमें टॉपिक जो मैंने दिया है वो है बदति शख्स का अंजाम तो आते हैं हदीस की नस की जाने पर हम पढ़ते हैं इसको वन नाफ़ इन हजरत इमाम नाफ़े रह्ला से ये रवायत मरवी है और आपको इल्म है कि हज़रत नाफ़े जरत अब्दुल्ला इबिन उमर के शागिरद थे आ इमाम और उधर इमाम मालिक के ये उस्ताद भी थे तो ये बड़ी ही एक अली सनद है जो बयान की जाती है कि अन मालिक अन नाफे अनिबन उमर रसूल ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ बतौर नॉलेज के तो सरे दस्त इमाम नाफ्रह्ह जो हैं

सलाम कह रहा था पैगाम उसने दियारत तो तो अब्दुल्लाजी ने फरमायान्ना हु बेशक बाला मुझे ये बात पहुंची है अन्ना हु के बेशक वो शख्स जिसने मुझे सलाम भेजा है कद आहदा उसने दीन में नई बातें निकालनी शुरू कर दी हैं कद आहदा आपको दीस याद आ, आ गई होगी सही अध

तो अगर वो ऐसा ही है कि उसने कोई दीन में नई बात निकाली है फाइन कहना अगर है का तहकीक आहदा उसने कोई चीज निकाली है दीन में फलामा तो पस ना कहना मेरी तरफ से उसको सलाम आप देखिए जरा उसने सलाम भेजा है तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजील को ये ख़बर उसके बारे में मिली थी कि वो बिदती है यानी नई नई बातें ख़ास तौर पर तकदीर के मामले में यह हदीस मुहदसिन ने तकदीर के बाद में नकल की है जिक्र की है तो यहाँ मुराद महदिस यानी बदती शख्स वो है यहाँ मुराद सबसे पहले वो है जिसने तकदीर का इनकार किया है और तकदीर के बारे में वो नई बातें करता है या लोगों में फैलाता है तो उमर रजी अल्लाह नुमा ने फरमाया कि मेरी तरफ से उसको सलाम ना कहिए फाइन समय तो रसूल सल्लाम आगे हज़रतिन ने इस्ते दिल फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्हलम से सुनी हुई यीस का फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्ला को यह फरमाते सुना है यकून फ़ी उम्मत ये मेरी उम्मत में होगा ओ फ़ी हादिल उन्हें अल्फाज में शक पड़ गया तो उन्होंने दोनों तरह के अल्फाज जिक्र कर दिए। यकून फ़ी हादी अल्लाह के रसूल ने या ये अल्फाज फरमाए या ये अल्फाज फरमाए फ़ीहा इस उम्मत में मेंसफ खस्फ होगा जमीन में धनस जाना व मस हन और शक्लों का बिगड़ जाना पहले भी ये अल्फाज आए हैं औ कदफन औ कसफ़ होगा कसफ़ का माना भी होता है कि पत्थरों की बारिश फिया कदर अहल कदर के बारे में कदरिया के बारे में जो तकदीर के मुनकर हैं, जिनको ये भी कहा गया है, मजूस और के मजूसी, हमने पहले बात इसकी इसके बारे में जिक्र की है तो अजीज सलाबा ये जो अपना सजाएं होंगी यकून फ़िया उम्मती व मसफुन व कसफन ज़मीन में दनसना मसख शक्लों का मसख होना और कजफ उन पत्थरों की बारिश बरसना अहल कदर में यानी जो तकदीर के मुनकिर हैं रवा तिरमजी बबू दाऊ अबन माजा वक़ार तिरमजी आजादीस हसन उनबन जाम तिरमजी में इमाम तिरमजी रामाला कहते हैं कि यह अधिसीस एक अतबार से हसन है और एक अतबार से सही गरीब गरीब भी है और फिर सही भी है

बिदती हो या फासे को फाजिर हो फासे का माना जो गुनागार है ये तो अपना कैमरा सही कर ले आप अच्छा ये अब देखिए ठीक है बेटा थोड़ा सा और नीचे करना। लो तो हाला ठीक अब ठीक है आज जी और थोड़ी लाइट भी ऑन कर देंगे लाइट ऑन हाँ लाइट ये बाकी हाँ जी नाउ इट इज ओके अब ठीक है तो बिदती और के सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं बतौर तम्बी बिद रहती और फासिक से तरके मुलाकात भी तरक मुलाकात भी जायज़ है तमबी के तौर पर जो बिदती है ना और फासिक अजीज आपके में, में, अगर कुछ है, फासिक है तो उसके साथ आपका कोई तल्लक मेल मुलाकात है जान पहचान तो उससे मुलाकात छोड़ दो लेकिन उसको ये बावर कराना है कि ये किस लिए मैंने छोड़ी है अल्लाह की रजा के लिए दिन दुनिया के मफाद के लिए नहीं और ये बड़ा ही अल्लाह को मबूबी अमल है ताकि वो मुतनबे हो जाए और अपना जायजा ले इस करे तकदीर का इनकार जमीन में अल्लाह ताला के गैदो गजब और अजाब लाही का मूजब है जैसा व वन बिदती के बारे में आते हैं आगे हदीस नंबर नेक्स्ट हमारे पास वन वन सेवन इसका टॉपिक मैंने इसको दिया है मौदू मोमिन और मुशरक़ वालदे की औलादें भी उन्हीं किताबें हैं کیا خدیجہ تو हैं कि सालत सवाल किया खदीजा तो نے खदीजा रजियाल्लामोमीन किस से सवाल किया अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से अन वाला आपने उन दो बच्चों के बारे में माता 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 मातू जो दोनों फौत हो गए थे लहा हजरत खदीजा के फिल जाहलिया जाहिलियत में इग्नोरेंस पीरियड ऑफ इस्लामिक बिफोर इस्लाम तो जाहिलियत में जो मर गए थे फोतो गए थे फकाल तो रसूल सल्लाम रसूल वसल्लम ने आगे से जवाब में ये फरमाया, नार, वो दोनों जहन्नम में हैं, अंदाजा कीजिए जरा ये यहाँ बड़े आराम से अपने मर्शत पकड़ लेते हैं और कहते हैं जी बस हमारे बेड़े पार अब रहमतमीन से बढ़कर कौन मुर्शद हो सकता है अजीम इमाम इमामबिया इमाम तो आप एक एतबार से तो वज़ह खदीजा ने की औलाद है रसूल की औलाद भी हो सकती है इस एतबार से लेकिन आपने हुक्म सादर फरमा दियामाफिनार मेरी दुआएँ और मेरे क्यामत, क्यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मैं झगड़ भी सकता हूँ उनके बारे में सफ़ारिश भी कर सकता हूँ लेकिन फायदा कोई नहीं ना सफारिश उन लोगों के हक़ में होगी नहीं जो मुशरक है तो इसलिए यहाँ लोगों को ख़बरदार हो जाना चाहिए आ, 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 अपना रावी कहते हैं हजरत रजील्ला तु फलम्मा अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर फलम्मा फिर जब रा देखा अल ना नापसंदीदगी के आसार फी वजह हज़रत खदीजा के चेहरे अनहा के चेहरे पर जब अल्लाह के रसूल ने परेशानी के आसार देखे ये ज़ाहिर उनके बच्चे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला फरमा दिया नार वो माफी वो नारम में तो कला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राई थे अगर तू देख ले खदीजा मकाना हम उनका असल ठिकाना के तू उन दोनों का ठिकाना अगर जान ले तो तू परेशान हो जाए गोला तो खदीजा रसी अल्लाह तरमाया रसूल अल्लाह के रसूल फवलदी मिन का और उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है जो आपसे मुझे अल्लाह ने दिए यानी जो आपके बच्चे थे फवाल दी मिन का फवाल फिल जन्ना आप अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो जन्नत में हैं ऊपर हुमाफिनार नीचे फिल जन्ना इन दोनों अल्फाज को देखिए दोनों अदरख की औलाद हैं लेकिन एक साहब ईमान दूसरे हालांकि छोटे थे यहाँ मकसूद ये है कि वो अभी बालग भी नहीं थे बच्चे और फौत हो गए लेकिन वो जो बा, नाबालग थे और फौत हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमा नार अब उनका क्या कसूर है तो इसीलिए टॉपिक ये दिया मोमिन और मुशरक वाले की औलादें भी उन्हीं के ताब हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो आपसे हैं बच्चे मुझसे वो जन्नत में है सला रसूल सल्लाम फिर रसोल ने इस्तलाल में ये अल्लाह की आयत मुबारका भी तलावत फ़रमाई और ये फ़रमाया इन मोमिना बेशक मोमिन वाहम और उनकी औलादें फिर जन्नत जन्नत में हैं वनमशरक़ी और मुशरक़ व उलादम और उनकी औलादें फिर नारे वो आग में हैं सरा रसूल सल्ला फिर रसोल व ये आयत मुबारक जो है वो पढ़ी वल्लीना मनु व तब आतुम झुर्रि युम बेईमान अलहना बेमजुर्तम वमा अलतना शई उम्र बिमा कसबरहीन या आखिर तक ये सूर तूर की आयात हैं वल्लीना और वो लोग जो ईमान लाए व तबाह आतुम ुर्रि या तुहम बेईमान और जो जिनकी औलादे भी ईमान के साथ जिन्होंने उनको फॉलो किया तो वो उन्हीं के ही हम उनके साथ उनको अलहकना बेमतर्रियता हूँ तो अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी औलादों को भी जो साहेब ईमान होंगी अपने वैन को फॉलो करने वाली ईमान में हम उनको उनके वालदान के साथ मिला देंगे इस अदीज़ की सनत मोहम्मद उस्मान मजहूर रावी की वजह से ज़ीफ़ है मोहम्मद बिन उस्मान इस अदीस की सनद में एक रावी हैं जो मशहूल हाल है और उसकी वजह से ये ज़ीफ़ है और इसके आगे शवायद भी एक हैं लिहाजा ये हदीस ज़ीफ़ है नंबर दो इंसान के उखरवी इंसान की उखर भी निजात सही ईमान और सही अक़ीदे की बुनियाद पर है ना कि हसब नसब की बुनियाद पर मोमिनी उम्मिन खदीजा रजी अल्लाह तह के बतन से आपके दो बेटे थे सैदना कासिम और सैयद ना अब्दुल्ला रजी अल्लाह तुम और जो इब्राहिम थे वो हजरत मारिया की जो थी उनके बतन से थे वैसे बाज कहते हैं कि आप वसल्लम के चार फरजान थे और वो फिर नाम और लेते हैं तोाहिर तय्यब कासिम इब्राहिम तोाहिर तय्यब कासिम इब्राहिम लेकिन ज़्यादा दुरुस्त यही है कि आपके तीन बेटे थे एक कासिम और एक अब्दुल्ला और ताहिर तैयबी नहीं गई आगे दीगर दूसरे नाम भी हैं और एक इब्राहिम थे सारे जो हैं वो बचपन में ही अल्लाह के पास चले गए रदी अल्लाह मजमायन तो इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत में जाएंगे हदीस नंबर वन वन एट इंसान की बशरी और फितरी कमजोरियाँ ये टॉपिक है वानीबी हुराइरह रضي अल्लाहु तआला अन कहा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया लमा खलक अल्लाह आदम जब पैदा किया अल्लाह ने आदम अलैहि को मसहा अल्लाह ने हाथ फेरा ज़हराहु उनकी कमर पर उनकी बैक पर ज़हराहु फसकत्ता तो अल्लाह ताला के हाथ फेरने आदमी की पुष्ट पर हाथ फेरने के नतीजे में जहर हो गई निकल आई आदम आदमी की कमर से पुष्ट से कुल्लु नसमत हर रूह नसमतिन और 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 जिसको अल्लाह पैदा करने वाले थे आइंदा इन फ्यूचर वाल मंद्रते ही आदम की औलाद में से सेम कयामत के दिन तक कयामत के दिन तक जो भी औलाद आने वाली थी सारी, सारी की सारी रूहों की शक्ल में और आगे जो आ रहा है वो दीगर आदिश में चोटियों की शक्ल में इतनी तादाद में से मुराद कसरत तादाद है कयामत तक आने वाली सब रूहें जो हैं वो बाहर आ, आ गई आदम सलाम की पुश्त से बाहर वजाला बइन आई नई कुल इंसान और अल्लाह ने वजाला कर दिया बही आई नई कुल इंसानिन हर इंसान की दोनों आंखों के दरम्यान मिन हम उन न, आ, 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 पैदा होने वाली औलाद में से वबीसा चमकता हुआ नूर वबीस चमकता हुआ नूर जो है यानी नूरानी रोशनी रोशनी जो है वो रख दी हर पैदा होने वाले आदमी की पुश्त से रूह की पेशानी यानी दो आंखों के दरम्यान पेशानी पर एक रोशनी या नूर रख दिया वबीसन वजाला बइन आई नई कुल्ले इंसान मैन वबीसा में नूरन रोशनी से नूर से चमकता हुआ यानी एक समझ लीजिए निशान वन में नूर तुम आ फिर आरा तुम अल्लाह ने उनको पेश किया अला आदमा आदम, आदम के सामने आदम आदमिल की पुश्त से ही निकाला उनको उसकी उनकी औलाद को और फिर उनके हर एक की आँखों के दरम्यान एक चमकता हुआ नूर रख दिया और फिर उन आदम सलाम के सामने उनको पेश किया फ़कअाल आदमी सलाम ने फरमाया, आई फरमायाबी ए मेरे परवरदिगार मन हाउला ये कौन है अल्लाह ने फरमाया का ये तेरी औलाद है फरा आ रजुल्हन तो आदम ने देखा फरार अजुलन एक आदमी में नुमन में से यानी अपनी औलाद में से फ आबू वी सो मा बहिन आई नहीं है तो आपको ताजब में डाल जा बाबू तो आपको यानी आदम को ताजब में डाला वबीसो मा बहन आई नहीं है जो उनकी आंखों के दरम्यान चमकता हुआ नूर था उसने आदमी को ताजब में डाला उन वैसे तो सारे ही चमकते नूरानी चेहरों वाले थे लेकिन उनमें से एक शख्स जो था उसकी तो नुरानियत अजीब थी कि आदम भी हैरान हो गए काल आदम ने फरमाया पूछा ए रब है मेरे परवर मन आजा ये कौन है कला अल्लाह ने फरमाया दाबूदो ये दाबूद तो आदम आदमी ने फरमाया ए, ए मेरे परवरदिगार कम जालता उम्र या उमराहू दोनों तरह ठीक है कि ए मेरे परवरदिगार आपने इनकी कितनी उम्र रखी है कम जालता उम्र हूँ अल्लाह ने फरमाया सिर्फ तीन सनातान साठ बरस साठ बरस जो है इनकी उम्र है कला तो आदम सलाम को ये उम्र उनकी थोड़ी महसूस हुई अपनी उम्र के हिसाब से तो काला आदम सलाम ने फरमाया रबे है मेरे परवरदिगार जिद हो इनको बढ़ा दीजिए मैंने उमोरी मेरी उम्र से अरबाइन सनातन चालीस साल यानी मेरी उम्र जो सारी है उसमें से 40 साल इनकी उम्र में ऐड कर दीजिए इनको दे दीजिए इनकी उम्र में इजाफा कर दीजिए 40 साल का मेरी उम्र से ज़िद्द हो मैं नमरी अरबाइन रसूल सल्लाम अब रसूल फ़रमाते हैं यह हदीस बयान करके फलामन कदा उम्र आदम फिर जब पूरी हो गई आदम की उम्र यानी आदमी सलाम ने सारी उम्र गुजार ली दुनिया में इल्ला अरबाइना सिवाए चालीस बरस के चालीस बरस बाकी रह गई अज़ीज़ तला मामला वादे है क्लियर है कि जब दुनिया में ये तो मामला हो गया आलम में अल्लाह के साथ अब आदमी सलाम जब दुनिया में आया और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली जैसा कि कहते हैं कि एक हजार बरस थी कमो बेश तो अरब चालीस बरस जब रह गई जा आहू मालाकुल मौत तो आदम सलाम के पास आ गया मौत का फरिश्ता जान लेने के लिए कब्ज़ करने के लिए फ़काल आदम तो आदम सलाम ने कहा अबालम यब क्या नहीं बाकी रही मैन उमरी मेरी उम्र से क्या मेरी उम्र से बाकी नहीं रहे सनातन चालीस साल क्या मेरी उम्र से अभी चालीस साल बाकी नहीं है क्या आप अभी आ गए हैं औला तो फ्रिश्ते मलाकुल मौत उन्होंने ये कहा अवलम तो क्या आपने ये चालीस साल दे नहीं दिए थे उन्हें हिबा नहीं कर दिए थे अवलम क्या नहीं तो आपने दिए थे चालीस साल इबना का अपने बेटे दाबूदा दाबूद्लाम को चालीस साल आपने अपनी उम्र से अल्लाह के सामने अपने बेटे दाबूद को नहीं दे दिए थे आदम तो आदम इनकार कर गए फ जाहादा या जहादु जहादा या जहादो आदम ने इनकार कर दिया फ जहादत जरूरी तो इनकार करती आ रही है उनकी औलाद भी आप देखते हैं ना किस तरह मुकरते हैं पाँव पे वादे कर करके और बातें कह के जब देखते हैं हमारे इसमें मुफाद के फायदे के खिलाफ चीज है मुंह से बात कही हुई जनाब वापस ले लेते हैं फतरूरी है व वन आदम और आदम भूल गए फहा तो उन्होंने भूल कर खा लिया मैंने शज और दरखत से वो ममनवा शजर ममनूा से जो कुछ अल्लाह ने कहा था कि नहीं खाना तो वो भूल कर उन्होंने ये भी काम कर लिया यहाँ भी भूल गए फ़नसीयत जरूरीत हो और उनकी औलाद भी भूलती है बार बार भूलती है वक्ता आदम और आदम ने ग़लती की अत हो और उनकी औलाद भी आगे ख़ता यानी गलतियाँ करती आ रही है तो ये अजीज़ तलबा ये है वो बशरी और फितरी कमज़ोरियाँ आदम अल्लाह के पैगम्बर थे और अल्लाह की बारगाह में उन्होंने ये चालीस साल अपनी उम्र से जो हैं वो हिबा किए अपने बेटे हज़रत अलैहिस्सलाम को उनके हुसन व जमाल कमाल नूर से मुतासर होकर अल्लाह पर फवाद आइय फ़वादायल चे कह इस हदीस की सनद हसन है गोया कि सही है हदीस में मजगूर इस किस्से का ताल्लुक सैदना आदमी की पैदाइश के बाद और सैदना दाबूद्लाम की पैदाइश से पहले आलम आरवा से है जहर आदमी सलाम तो पैदा हो चुके थे इसलिए अल्लाह ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा और फिर क्यामतक आने वाली जितनी भी औलाद थी उनमें से नेक लोग निकाले उनमें दाबूद्लाम भी थे रोशन चेहरे वाले वाल में अरवा की बात आई है इस अल्लाह ताला के यद हाथ होने का सबूत अल्लाह ताला ने ताथ फेरा ना फमासहा अल्लाह जहरे ही जैसा कि जिक्र हुआ है और ये कहना कि फरिश्ते को हाथ फेरने के लिए कहा गया बाज लोग जो हैं, जो अल्लाह की अल्लाह ताला को उसकी सिफतों से मअल कर देते हैं और तावीलें करते हैं भेजा बगैर दलील के वो कहते हैं कि नहीं ये फरिश्ते ने हाथ फेरा था अल्लाह ने नहीं क मास तो ये तावील बगैर दलील के है और अल्लाह ताला को उसकी सिफत से मअल करना है इसी तरह हदीस के जाहिर से ये मालूम होता है कि ये कहना है अल्लाह मेरी उम्र से एक तिहाई या आधा हिस्सा फलां को दे दे जायज है वल्लाहु आला वालम बिस्सवाब आते हैं हदीस 119 नेकी नूर है वान वान और गुना स्याही ये तो आपको इलम है योम तब यजु वजूह वतस्वद वतस वजूह जिस दिन बहुत सारे चेहरे तरोताजा होंगे और बहुत सारे स्याह अगर अगरचे जब मदीना यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था जेर तालीम था तो हमारे उस्ताद ने ये आयत पढ़ी तो हमारे जो अफ्रीकी भाई थे नीगरू जो थे वो जनाब एकदम गुस्से से फड़क उठे अल्लाह अकबर फिर उस्ताद मोहतरम ने फिर उन्हें समझाया और फिर उन्हें थोड़ा सा हौसला हुआ ये क्या हुआ कि हमारा रंग जो है वो स्याह है तो हम अल्लाह की तरफ से तो ये जो है मामला ठीक नहीं है वह अपने तई वो ये बात कर रहे थे अबू दरदार रजी अल्लाह से रवायत है वो नबी मुकरम सल्लाम से मरफू बयान करते हैं आदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने पैदा किया आदमी सलाम को ही न खला का जब अल्लाह ने उनको पैदा किया फादारा तो अल्लाह ने मारा कातिफा युमना आदमी के दाएं कंधे पर नहीं, यानी नहीं, राइट शोल्डर है उस पर अल्लाह ने अपना हाथ मारा कातिफा हुल युमना दाई जानब दाएं कंधे पर, पर फाख राजा दुर्रीयन बैदा तो अल्लाह ने निकाली औलाद फाख राज सफेद रंग की सफेद जिस्मों की जो कि चमक रही थी रोशनी से नूर से का गोया कि वो अधुर्र गोया कि वो वो मोती हैं गोया कि वो मोती हैं कातिफा काफा अलीसरा और फिर अल्लाह ने मारा आदम के बाएं बाएं पहलू पर या बाएं कंधे पर फाखरज़ रज्री यतन सौदा तो निकाला निकाल आदमी के बाएं कंधे पर हाथ मारने से उनकी स्याह रंग की सारे स्याह थे औलाद का अन्नाम गोया के वो अल्फुम कोयला है कोयला आपने देखा है ना बाप आप जो आ, जो बारबी को करते हैं तो वो अंगिठियों में कोयले ले जाते हैं बाजार उससे खरीद कर तो जो कोयले का रंग है वो आप देखते हैं कैसा है हमाम ये लफ्ज़ पहले भी निकला है गुजरा है गोया कि वो कोयले हैं स्याह। तो फिर अल्लाह ने फरमाया उन लोगों की बाबत फी यमीन नहीं जो कि अल्लाह की दाई जानब यानी आदम के दाएं कंधे से अल्लाह ने जो निकाले थे इलल लल जन्ना फरमाया कि ये तो जन्नत वाले हैं वला उबाली और मुझे कोई परवाह नहीं अल्लाह की ज़्यादा बेपरवा है अल्लाक बेनियाज है और फरमाया उन लोगों की बाबत फ़ीका फ ही उसरा जो अल्ला ने आदम सलाम की बाएँ कंधे से औलाद को निकाला जो शयाह थे श्या रंग आमाल, के अपने बादओ की वजह से ये जहन्नम के हैं ये तरफ ये साइड जहन्नम की है और वह साइड तरफ जो है वो जन्नत की है वला उबाली और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं अकबर यह है अल्लाह की ज़ात वाहमत इस हदीस की सनत भी हसन है सही है अमूमी एतबार से बाबरकत कामों के लिए दाई जानब को बाई जानब पर फोकियत हासिल है कुछ बाबरकत कामों के लिए दाई जानब को अल्लाह ने रखा किसी तो तरह नेक लोगों को दाई जानब रखा और बद किरदारों को बाई जानब जिस तरह के अम्मातिया किताब अब भी नहीं ही व अम्मातिया किताब ओ बाल ही कि नहीं उसका नामा माल दाई जानब जिनको दिया जाएगा और जिनको बाई जानब दिया जाएगा तो वो एहल जन्नत और एहल जहन्नम हदीस के अल्फाज भला उबाली और मैं परवाह नहीं रखता मैं इस तरह विशारा है कि अल्लाह तला पर कोई अमर वाजब नहीं ये उसका फजल और करम है उसकी अपने बंदों पर कि वो अल्लाह अपनी रहमत से उनको अपनी आगोश में लेगा और उन्हें उन पर रहमत करेगा और अल्लाह की रहमत का साया होगा उन पर और वो उन्हें मुआफ़ी मिलेगी बहुत सारे लोगों को अल्लाह की रहमत की वजह से हम अल्लाह पर वाजब कोई चीज़ नहीं है हदीस वन टू जीरो सुन्नत रसूल पर इस्तेमत की फ़दीलत हाँ रसूल अल्ला व्लम की एक सुन्नत पर इस्तकामत या दवाम जो है उसकी आप देखिए फदीलत के उसका कमाल उसका अजर सिला सवाब और हम कितनी सुन्नतें इग्नोर कर देते हैं अल्लाह के रसूल की और ख़ास तौर पर वो बिदती लोग जो कि आए दिन सुन्नतों को इग्नोर करके दीन के अंदर नई नई खुराफात और रसूमात और खुजा अबलात उनका वो इरतक करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी हम हमें मोहब्बत है अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए जरा वान अबी नदरा हजरत अबू नदरा कहते हैं अन्ना जुलम साबिन नबी एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से युकार लहू अबू अब्दुल्ला जो थी तो उनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला लेकिन उन, उन मशहूर हो गए थे अबू अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला कहा अब जाता था उनको अबू अबूबद उनका ऐसा नाम नेम वो मशहूर हो गए थे दाखा बहू उन पर दाखिल हुए उनके साथी साथी दोस्त अहबाब रिश्तेदार दार हमसाए जो भी हों उनके मान जानने वाले वो बीमार थे अबू अब्दिल्ला तो उनकी तीमारदारी और उनकी जो है अपना अयादत के लिए वो उनके पास आए दाखला साहब हो याऊ दूना वो उनकी क्यादत कर रहे थे वह हुआ यब की जबकि अबू अब्दुल्ला जो है वो रो रहे थे वह हुआ यब, यब की हाल में वह हुआ यब की हालत कौन ही यब की वह हुआ यब की फ़कू तो वो जो साथी ही करने वाले आए थे उन्होंने कहा अबू अब्दुल्ला को मायूब की क्या कौन सी चीज़ तुझे आपको रुला रही है कौन सी चीज़ तुझे रोने पर मजबूर कर रही है मय यकुल्ला का अलैहि वसल्लम क्या नहीं कहा आपको अल्लाह के रसूल वसल्लम ने यह बात नहीं कही थी आपके लिए अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कि खुद मैंने का कि आपने शवारिब जो है यानी वो मूंछों के बाल जो यहां वो बाल हैं अजीज तलबा जो मूंछों के बाल लटक कर मुंह में आते हैं उन्हें शवारिब कहते हैं तो ये शरीयत में अल्लाह के रसूल वसल्लम ने हुक्म दिया है कि इन शवारब को काट दिया करो इनको रोक लिया करो पकड़ लिया करो कि ये लटक कर मुँह में ना आए जब आप पानी पिए या खाना खाएं तो ये बाल मुँह में नहीं आने चाहिए एक तो बदसूरत भी लगते हैं दूसरा कराहत आती है इससे तो रहमत लमीन ने फरमाया कि ये ए, इन मूंछों को जो कि लटक रही होती हैं शारिब इनको रोक लो तो सहाबा साथी कहने लगे कि ऐबुबिल्ला क्या आपको नबी मोहतरम सल्ला ने एक बार ये कहा था कि आप इन लबों को जो कि लब से नीचे बाल है इनको काट लिया करो सुम्मा आकिर तो फिर इस पर आप सबित कदम भी रहो यानी इनको रोक लिया करो आगे बढ़ने ना दिया करो तो इस मेरे हुक्म पर तुम अमल करो कि यहाँ तक कि हता तलका नहीं के तुम मुझे मिलो यहाँ तक कि तुम मुझे मिलो क्यामत के दिन गोया कि आपका जिंदगी के आखिरी लमात तक ये अमल होना चाहिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि शवारब जो है ये आपकी कटी कटी रहनी चाहिए बढ़नी नहीं बढ़नी रही नहीं चाहिए यहाँ तक आप मुझे मिलें हती तल कौनी कला तो जब ये बात कही कहीदत करने वालों ने तो आगे से अबू अब कहते हैं भला क्यों नहीं ऐसे ही रसूल ने मुझे फरमाया था और मैंने इस पर अमल भी किया और ये भी फरमाया था कि यहां तक कि तुम मुझे मिलो तो मिलने से मुराद खुशखबरी है जन्नत की कि अगर तुम इस पर कार बंद रहोगे इस सुन्नत पर मेरे हुक्म पर तो जन्नत मिलेगी आपको मेरे मेरे पास आ पाओगे जन्नत में मुझसे मुलाकात होगी आपकी वला बला समय तो रसूल वसल्लम लेकिन वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी यकूल वाह फरमा रहे थे के बेशक अल्लाह अज्जा अल्लाहल ने कबादा बेमी नहीं कब दज अजल ने अपनी दानी हाथ से एक मुठ्ठी भरी मखलूक की काबाद की कब दबादी नहीं बिल बिलिया दिलुखरा और दूसरी मुठी भरी दूसरी बाई जानब यानी बाएं हाथ से मुठ्ठी भरी एक औलाद आदम से वकाल और फरमाया हाजही लिहाज ही ये तो लोग हैं जन्नत के लोग यानी हाजही जन्ना वहाज लिहाज और ये लोग जो हैं ये इस जहन्नम के लिए हैं वहाजार और जहन्नम वला उबाई और मुझे कोई परवाह नहीं अल्लाह के रसूल की ये बात मुझे जब याद आती है तो मुझे लफा तारी हो जाता है कि अल्लाह तला ने यह फरमाया था वला अदरी और मैं नहीं जानता फिर अयल कब दईन आना कि अल्लाह ताला की इन दोनों मुठियों में से मेरा किन किस मुठी के लोगों में शुमार है कहीं मैं बाई मुठी में ना आ जाऊँ अल्लाह ताला ने जो औलाद आदम से बाई तरफ वाले लोगों की मुठी जो है बरी और उनकी तरफ इशारा फरमाया कि ये एहले जहन्नम के हैं तो अल्लाह अल्ला ने ये भी फरमाया था वला उबाली मुझे कोई परवाह नहीं ये भी अल्लाह ने फरमा दिया वला उबाली मुझे कोई परवाह नहीं ये अल्फाज मुझे रुला रहे हैं और मुझे पे लर्जा तारी हो जाता है सलाम रुण रुण। आ, नमाज का नमाज वक्त हो रहा, रहा है हमारे यहाँ जी तो ये पाँच दस मिनट आप दे नहीं सकते ताकि नमाज बाद में पढ़ लें आप चलें ठीक है ठीक है हाँ जी कोई बात नहीं नमाज बाद में पढ़ अगर वो सूरज तो नहीं गुरूब हो जाएगा

क़राम अल्लाह ईमान और फिक्र आख़रत की एक झलक ठीक है जन्नत की बशारत के बावजूद अल्लाह की बारगाह में हादरी और उसकी बेनियाजी का खौफ साहबी को जन्नत की बिशारत के बावजूद इमाम तीबी रहम्ला कहते हैं कि हदीस में इस बात की जानब इशारा है कि लबे काटना सुन्नत मौत है और इस पर अमेशगी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जर साया जन्नत में दाखिले का सबब है तो जहाँ ये शादत है तो वहाँ सुन्नतों को हमेशा तरक करने पर किस कदर बदबख्ती होगी और ऐसा करना जिंदगी के दर्जा तक पहुँचा देता है ये एक मुसलसल अगर सुन्नत को छोड़ा जाए तो एक इंसान जो है उसकी जगह कई खुराफात और कई बिदात शुरू कर देता है तो यहाँ ना नवजबिल्ला जिंदगी तक मामला ना आ जाए हदीस नंबर वन टवेंटी वन अहद में हर आदमी पर हजत क़ायम हो चुकी वानी बिन अब्बास रजी नबी हजरत हज़रतब्बा बिन अब्बास रजी से मरफू अल्लाह के नबी से यह हदीस रिवायत है कला अल्लाह के रसूल ने फरमाया का अल्लाह ने लिया अहद मिन ज़हर आदम आदम की पीठ से बिना अमान नाअमान जगह पर यह नाअमान जगह है मकाम है

यानी जर्रात की तरह चोटियों की तरह तुम मकल फिर उन उनसे गुफ्तगु की कोबोलन बरा रास्त आ, यानी वजह फेस टू फेस अल्लाह ने फिर उनसे गुफ्तगु फरमाई कलाम की यहाँ अल्लाह ताला की क़लाम का जिक्र हुआ है कि अल्लाह मुख वो कलाम करते हैं और अपनी मखलूक से कलाम करते हैं कौला तो फरमाया अल्लाह जल्ला शाहनऊन्ह ने अलास्त बेरबिक क्या मैं तुम्हारा परवर हूँ कि नहीं कालू सब ने कहा बला क्यों नहीं तुम्हारा परवर है शाहिद ना हम इस पर गवाह हैं अंतकूलू यानी अल्लाह ने फरमाया फिर हम गवाह हैं अंतकूलू के तुम ये कहो बात यो मकयामत क्यामत के दिन इन्ना कुन्नाजा फिलीन के बेशक हम इस काम से इस बात से गाफिल थे औोलू या तुम ये कहो या तुम ये बात कहो इन नमाशर का बाउना की बेशक यकीनन ये शर्क जो है वो तो हमारे फोर फादर्स ने किया था मिनका बोलो हमसे पहले वकुल ना जरूरी और हम तो वो उनकी औलाद थे जो उनके बाद आए अफा तो क्या तू हमें हिला करेगा उन लोगों के अमाल की वजह से जो कि बातल अमल करते रहे हैं तो उन आबादाद की वजह से हमें अल्लाह तो पकड़ेगा तो अल्लाह ने फरमाया कि ये हुज्जत कायम करने के लिए मैं आपसे अब ऐहद ले रहा हूं यहाँ तो बे को मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं तो अलस्त में हर आदमी पर हुज्जत कायम हो चुकी है हदीस में लफ्ज बिन अमान यानी मैदान के करीब एक मकाम जहाँ ये हद लिया गया नंबर दो अल्लाह ताला की बारगा हमें अबाव जदाद का हवाला ना इस दुनिया में किसी के काम आएगा और ना आखरत में ये कोई उज्जत जो है उसकी ना सुनी जाएगी किसी की ना उसके काम आएगी नंबर तीन हार आने वाली जान ने अल्लाह ताला के उसकी तोहिद का इकरार कर लिया आलम रवा में अहद आसमानी किताबें और इसद और इकरार को सिर्फ याद दिलाने के लिए भेजे गए हैं वो रिवाइज़ करते हैं करते हैं। उसको, उसको रिमाइंड कराते असल में में, हर इंसान जो है, है उसने पिक किया है अपने और दिमाग में। और भी किया है। नंबर टू, 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 की वजात सैद बिनकाब रजी के हवाले से वन बिनका बिनकाब रजी मारूफ कारी आलि है सुम्मत के अल्लाह ज़ब जल के इस आयत मुबारक के बारे में उसकी तफसीर के बारे में ये खुद फरमाते हैं अदीस रवायत करते हैं वाह और वो वक्त याद करो आखा जब पकड़ा रब्बू का तेरे परवरदिगार ने मम बनी आदमा आदम के बेटों से क्या अहद मन ूरहम उनकी पुशतों से मन ूरम ज़रूरीता हूँ यानी जो उनकी औलादें थी उनको आलम रवा में उनसे अल्लाह ने पैदा करके

अजवाजन से मुराद यहाँ जोड़े से मुरादी है कोई गरीब है कोई अमीर है कोई नेक है कोई बद है कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई सफेद है कोई स्याह है और इसी तरह ये सारे जोड़े जो दुनिया में बने हुए हैं कोई खूबसूरत है कोई बदसूरत है कोई लंबा है कोई गीठा है इस तरीके से तुम मसौरा रहू फिर अल्लाह ने उनकी तस्वीर कशी की यानि उनको सूरतें दी शक्लें दी उन रूहों को एक जगह पे इकट्ठा करके शक्लें अता फरमाई फस तन तक फिर उनको तक गोया उसब माखज मादा है उनको फिर कुवते गोयाई बख्शी फतकल्ला मुँह तो वो बोलने लग पड़े तुम माखजल फिर अल्लाह ने लिया उनसे अहद वलमी और पुख्ता वादा वह अशहादा हम और गवाह बनाया उन पर अलाफुम उनकी जानों को उनको गवाह बनाया उनकी जानों पर और फिर यही अलस्त बे रब क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ कि नहीं कलू कहने लगे बला क्यों नहीं काला तो फिर कहा कि फाइनी उदाह अल्लाह ने फरमाया कि तो अगर तुम गवाह गवाही देते हो इस बात की कि मैं परवरदिगार हूँ तो फिर मैं गवाह बनाता हूँ तुम पर यानी तुम्हारे सामने इस बात के बारे में असमावादा सातों आसमानों को भी गवाह बनाता हूँ वल और सातों जमीनों को भी गवाह बनाता हूँ वाही को मा बाम और ये जो तुम्हारे अबाविदा तुम्हारे सामने आए एक दूसरे के कुछ बाप हैं तो कुछ औलादे हैं आगे फिर उनकी औलादे हैं वो सब एक दूसरे पर गवाह बने इस गवाही के बारे में वाह शेद को मबाकम आदमा तुम्हारे आदमी जो सबसे बड़े हैं उनको भी गवाह बनाता हूँ तुम्हारे इस अहद के बारे में किस बारे में कि तुम ये तुम पर यह हजत हो चुकी है कायम कि तुम ये ना कह सको मेरी बारगाह में आकर अंत तुम कहो योम क्या बिहाजा हमें तो इसके बादलम ही नहीं था कि आप हमारे रब हैं परवरदिगार हैं और ये दीन है ये सच्चाई है ये तोहहीद है ये अकीदा है हमें तो पता ही नहीं था अमू जान लो अन्ना ला लाहा गैरी नहीं है कोई महबूद मेरे अलावा व वरब बा नहीं है कोई परवरदिगार मेरे अलावा वला तो शकूबी शैन और ना शिरक करना मेरे साथ कुछ भी इन्नी सा और अली कुम रसोली ये मैं सारे कर रहा हूँ और तुम्हें ये बता रहा हूँ सारा अहद और इसके सारे जितने भी असूल हैं ईमानियात के दीन के और फिर इसके बाद साओ से मैं भेजूंगा अली तुम्हारी जानब रसोली अपने पैगम्बरों को युजक के रूना कुम जो तुम्हें रिमाइंड कराएंगे जो तुम्हें याद दिलाएंगे आहदी मेरा ये अहद पैमान व की और वादा जो आप जो तुमने किया मेरे साथ वाउन जिलो आलई कुम को तो भी और मैं उतारूंगा तुम पर अपनी किताबें भी वो सब रिमाइंडर हैं आलू जब ये बात सारी हुई तो कहने लगे शाहिदना हमने गवाही दी बेअन्ना का कि तू बेशक तू रब ना हमारा परवरदिगार है वाहिला और हमारा महबूद बरहक है ला रब्बलना कोई परवरदिगार नहीं हमारे लिए गई रुका तेरे अलावा वला इलाहा लना और ना कोई माबूद है हमारे लिए गई रुका तेरे अलावा फाकर रू और इसका उन्होंने इकरार भी किया अल्लाह के सामने सारी मखलूक के सामने वरूफ आलिम आदमो फिर उन्हें उठाया गया रूफ आलिम उन पर उठाए गए आदम यानी आदम को उनके सामने किया गया जो उनके वालद थे आदम बाप थे जो आदम आदमन उनको देख रहे थे फरा फरा जुड़े जोड़े, जोड़े। गना भी यानी तवंग भी है अलफकी और तंगदस्त भी है हसन सूरा खूबसूरत भी है वालेगा और इसके अलावा बदसूरत भी है फकला आदम ने फरमाया रब ए पर लऊला क्यों ना सब तूने बराबर कर दिया भाई ना का अपने बंदों के दरमियान मुसावत क्यों नहीं कम की क्या तो हर एक को एक जैसा बना देता तू का मुतलक था हर एक को एक जैसी तस्वीरें शक्लें दे देता एक जैसी माली कुत ताकत दे देता एक जैसा इलमी दे, दे देता काला अल्लाह ने फरमाया इन्नी ये मैंने इसलिए किया कि आहबाब तो मैं चाहता हूँ पसंद करता हूँ अनुश्का कि मेरा शुक्र किया जाए अदा कि मेरा शुक्र अदा किया जाए शुक्र गुजारी हो मेरी मेरी मखलूक में से वराल अम्बिया और अम्बैयाम को देखा उन्होंने फी हिम उन लोगों में अम्बैयाम कैसे थे मतलु सुरुज चिरागों की मनिंद चमकते हुए लैम्प रोशन चिराग ये सराज अमन रसूल सल्लम को भी फरमाया सारे अम्बैया जो हैं हदायत के चिराग खूबसूरत खूबसूरत हुसन जमाल कमाल के मुरक्का, अलैहिम नूर जिन पर नूर चमकता था आखर जो के खास किए गए उस वादे के उस वादे के बारे में खास किए गए उस वादे के साथ जो कि आखिरी एक वादा था फिर रिसालत व नबूत नबुवत और रिसालत के बारे में कौन सा भला कि जब मेरा पैगंबर आपकी मौजूदगी में आएगा तो आप अपनी नबूत और रिसालत को छोड़कर मेरे आखिरी पैगंबर पर ईमान लाना होगा तो ये एकदम की औलाद के साथ और एक अहद था अल्लाह ने लिया अम्बिया और से। तो दोनों का कुरान में है। तो ये नबूत और रसालत काहद था जो नबियों से लिया गया वाह कौल तबारक वाली वाह अद ना नबी नमीता का हूँ जब हमने लिया अहद नबियों से और या उनका पुख्ताद ये सारी आयात जो है ने मरियमा तक ये जो है इसका जिक्र है कुरान हकीम में कान फ़ी तिलकल अरवा ये अरवाह आलम अरवाह में था इला मरियमा कि उसी दौरान ही अल्लाह ने भेजा मरियम अलैहिस्सलाम की जानब किन को अपनी रूह ईसा बिन मरियम यानी हजरत ईसा को जो मरियम के बेटे हैं लीसाब ने मरियमा ईसा बिन मरियम को यानी इसका जिक्र इसलिए फरमाया ईसा बिन मरियम को अल्लाह ने भेजा मरियम की जानब अन अभी जैसा कि कुरान मजीद में आता है कि फरिश्ता जो फातमल बशरन सविया अल्लाह के हुक्म से आए और मरियम के सामने बशर की शक्ल में और फिर उन्होंने वो फूका अल्लाह केज़न से और वो आ, प्रेग्नेंट यानी हा हो गई हजरत ईसा जो है वो पैदा हुए उनसे फाह आन बई हजरत बई बिनकाब रजील से ये बात जो है बयान की गई है कि किन्नाऊे कि उस वक़्त जो अल्लाह ने जिक्र किया है कि हजरत मरियम के मुंह के रास्ते से वो रू फूकी गई हजरत ईसा की तो ईसा सलात पैदा हुए अल्लाह की कामला से तो हजरत भाई बेनकाब रजी के हवाले से यह बात भी जिक्र की, की गई है वो कहते हैं कि ईसा सलाम को मुंह के रास्ते हजरत मरियम के बतन में उतारा गया फूका गया अहमद इस हदीस की सनद हसन मौकूफ है यानी हजरत भाई बेनकाब जिक्र कर रहे हैं ना कि ये ऐसे हुआ सहारा तो मायनता फवा मौकूफ उन लेकिन मरफू के हुक्म में है क्योंकि जो भी चीज़ उन्होंने जिक्र की है वो रसूल वसल्लम की बयान करता वही उन्होंने हुक्म ज़िक्र किया है अपनी तरफ से तो कोई भी कोई बात नहीं कह सकता अलबत् बाद ने इसकी सनद को ज़ईफ भी कहा है लेकिन सही यही है कि हसन है मौकूफ़ हसन हदीस में अल्फाज इन्नी हब उश कर मैं पसंद करता हूँ अल्लाह रब्बुल ला आलमीन का कहना कि मेरा शुक्र अदा किया जाए का मतलब ये है कि अगर सब को एक जैसी सलाहियत और सिफात पर पैदा करता तो वो मेरा शुक्र अदा ना करते आप एक दूसरे को देकर शुक्र करता है और जिसके पास वो सलाहियत और नमत नहीं, नहीं होती वो मेरे दर पे आकर मुझसे मांगता है और जब मैं देता हूँ तो मेरी शुक्र गुजारी करता है हदीस में वजह आता है कि सैदी की रूह को अल्लाह ताल केक्म से हजरत मरियम के मुँह से दाखिल किया गया अजीज ये एक छोटी हदीस है इसको पढ़ लीजिए हदीस वन टू थ्री इंसान अपनी जबिल्ली आदात व को नहीं छोड़ता

उस चीज के बारे में जो कि क्यामत तक आने वाली या पैदा होने वाली है इस कौल रसूल सल्लाम जब अल्लाह के रसूल आए उन्होंने हमें गुफ्तगु करते सुना देखा तो फरमाया समय तुम बेजबाल जब तुम सुनो किसी पहाड़ के बाबत मकान ही कि वो अपनी जगह से हिल गया है अपनी जगह से सरक गया है फसद तो उसकी तस्दीक कर लो कि ये बात ठीक है पहाड़ अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है लेकिन वाइदा समझे तुम बिरा अगर तुम ये सुन लो किसी आदमी के बारे में तगैयर अनखोलू के ही कि वो अपने अखलाको अपनी आदात व अतवार उसको उसने छोड़ कर और दूसरा रुख इख्तियार कर लिया है फला तो सद्देकू तो उसकी तस्दीक ना करो फाइन वसूर इलामा जुबेरा लीए इसलिए कि इंसान जो है वह अपनी जबिल्ली जो फितरी जबिल्लत है इन नेट नेचर इसे कहते हैं इन नेट नेचर जबिलत उसी पर वो चलता है उसको बदलता नहीं हदीस की सनद में निका की वजह से ये जारीफ है इंसानी जबिलत से मुराद वो फित्री कुत है जो बदलती नहीं अलबत्त खारजी हालात के मुताबिक इनमें उतार चढ़ाव हो सकता है जैसे किसी को कलमंद पैदा किया गया और तकदीर तकदीर इलाही उधर सबकत ले गई तो वो दाना से नादान नहीं होगा बल्कि वो अक्लमंद ही रहेगा और इसी तरह अहमक दाना नहीं होगा और तेर तेज़ मिजाज का मालिक हमेशा तेज़ मिजाज का ही रहता है तो ये उसकी फितरी चीज़ है एक तो टू तकलीफ और राहत भी लिखी गई है तकदीर से आती है सलमा रजी अल्लाह वम या रसूल अल्लाह अगर तुम सलमा रजी अल्लाह से रवायत है वो कहती हैं अल्लाह के रसूल ला युसीब काफी आमिन हमेशा आपको पहुँचती है हर साल वो तकलीफ वजाउन मैंने शातिल मसमूमा थे उस जहरीली बकरी की वजह से अल्लाह तल अकलता जो आपने खाई थी काला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा सा जो भी मुझसे चीज़ कोई पहुंची जो भी मुझे कोई चीज पहुंची मैं नहा तकलीफ दुख तक, दर्द से अला मकदूबन मगर वो लिखी हुई है बना, इल्ला मा कतब जैसा कुराना मजीद में, में आता है वो लिखी हुई है अलिया मुझ पर कि वो आके रहेगी वी तीन तही इस हाल में उस वक़्त लिख दी गई थी कि आदमी अपनी अभी मट्टी में यानी पैदा भी नहीं हुए थे इस हदीस की संद में एक मजहुल रावी अबू बकर जिसकी वजह से भी दीफ़ है रसूल सल्लम के बशर होने की दलील के हर साल जहरीली बकरी की वजह से शदीद बुखार आता जिससे आपको खासी तकलीफ लायक हो जाती आप सल्ण सल्ण को गजबा खैबर के मौका पर एक यूदिया औरत ने मेहमान नवाजी के बहाने गैर खिला दिया था ये सवालत हैं देख लीजिए अजीज़ तालवा जल्दी जल्दी हजरत नाफ़ रह के हदीस में विदी शख्स से क्या मुराद है नीज इसका इंज, उसके अंजाम का जिक्र कीजिए हदीस नंबर वन वन एट से अखज़ करदा फ़वाद मसाइल में से कम अज़ कम तीन का जिक्र करें हदीिस के अल्फाज भला उबाली और मैं परवाह नहीं रखता मैं किस बात की तरफ इशारा है और इसी तरह हदीस नंबर वन ट्वेंटी के हवाले से इमाम तीबी रहमा का सुनत के बारे में कौल जिक्र कीजिए फाई वदीस में अल्फाद इन्नी अहबब तो अनुश करा मैं पसंद करता हूँ कि मेरा शुक्र अदा किया जाएगा क्या मतलब है और हदीस वन टू थ्री के हवाले से इंसानी जबिलत से क्या मुराद है और इसके साथ ही हम अल्लाह की तोफ़ी से अल्लाह से ये दुआ करते हुए कि जो कुछ सा, कहा सुना है अल्लाह इसको समझने और इस पर अमल करने की तोफ़ी दे हम अपने इस आज के सबक का अख्ताम करते हैं कल तक के लिए इजाज़त वालकमल वर्का